जी नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो सारे? ठीक है जी। चलो, क्लास ऑनलाइन लगनी चाहिए कि ऑफलाइन लगनी चाहिए? ऑफलाइन बताओ, क्या बोलती पब्लिक? जी। ऑफलाइन देख लो, ऑफलाइन में पिटाई भी होती है, ऑनलाइन में वो बच जाते हो। कल लगा जी स्कूल है, 4-5 दिन बाद। लगा जी। या नमस्ते सर जी। अच्छा, नमस्ते जी, नमस्ते। क्या क्या करवाना पड़ेगी? ना जी, कितने आगे? 20 आगे। हाँ जी, आगे सारे करें शुरू या मैसेज डालना पड़ेगा?
सारे कैमरे ऑन करो एक बार। ये दिव्या कहाँ गई? दिव्या नहीं है। हाँ जी सिद्धांत, रजनी, रूबी, गैलेक्सी, ये गैलेक्सी कौन है? रितिका, आइना, नितिका, नीलम, पूनम, बेनीवाल, ममता, प्रीति, आरजू, आप लोगों को अलग से कहना पड़ेगा भाई। करो करो फटाफट फोन करो। चलिए कल हमने क्या किया था? कर लो बंद कर लो, जिसको करने हो वो कर लो, जिसको नहीं करना वो पढ़ा रहने तो। जैसा कि आप सभी को पता है आपकी क्लास में दो चार बदमाश बच्चे हैं, उनको बाहर भी फेंकना होता है ना, तो मैं लिस्ट निकाल लेता हूँ फेंकने के लिए। हाँ जी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। क्या दिख रहा है स्क्रीन? थैंक यू। वेलकम वाला कौन था? ये एक से एक नमूने है मेरी क्लास में। सुनीता ये तो दिमाग नाल का, मैं लिंक भेज दूंगा वीडियो को देख लियो। ओके सर। हाँ जी 25 आ गए। नीलम मैं रीनेम कर लेकर इन्हें है स्माइली ना गई रखे तो। देखिए इमोजीज आपकी जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन आपकी इंटरनल एक्सप्रेशन क्या चल रही है वो इमोजी नहीं बता सकते, इसलिए इमोजी सिर्फ ऑप्शनल होते हैं, उनको मैंडेटरी मत बनाया करो कि आप हर एक्सप्रेशन इमोजी के थ्रू ही बताना चाहोगे। हैं कुछ लोग इसको अलग तरीके से भी बताते हैं, ठीक है? कुछ लोग उदास होते हैं तो स्माइली ज्यादा लगाते हैं, कुछ लोग हैप्पी होते हैं तो स्माइली ज्यादा लगाते हैं, लोग हैप्पी होते हैं तो स्माइली से बचा कर। चलो कर लिया माइक बंद, रिकॉर्ड। कल हमने किया था वैलेंसी, अब फटाफट दिव्या बताएगी वैलेंसी क्या होती है, और जैसे ही वैलेंसी का हमें पता चलेगा तो आरजू हमें बताएगी कि पोटेशियम यानी कि के जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है। हाँ जी दिव्या। दिव्या वैलेंसी क्या होती है गुरु? 39, 21.
दिव्या 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 आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हम क्लास से बाहर फेंक देंगे अगर आप लोग मेरे सवाल के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो। ठीक है, और आपको पता है मीटिंग में एक ऑप्शन होता है कि आप इतने टाइम तक की क्लास में ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो आपकी एंट्री के ऊपर बैन लगा सकता हूँ, जैसे कि मैंने अभी लगा दिया। तो जो ये सोच रहे हैं कि हमारा नाम आएगा और हम मीटिंग एक बार भाग जाएंगे बाद में वापस आएंगे, तो आप वापस नहीं आएंगे, फिर अब बार लटकेंगे। आ भी गई बात समझ में? चलिए आज जो बताइए क्या होती है वैलेंसी पोटेशियम की? एक एक नहीं प्लस एक माइनस एक, क्या एग्जैक्ट बताओ मुझे, एक्यूरेट वैलेंस? प्लस एक माइनस सेवन। हाँ जी, प्लस एक और माइनस सेवन। चलिए अब मुझे चंचल बताएगी इन दोनों वैलेंसियों में से पोटेशियम जो है कौन सी वैलेंसी को ज्यादा प्रेफरेंस देता है? सर प्लस वन। प्लस वन को देता है, वेरी गुड। अब आईना बताएगी कि वो प्लस वन वैलेंसी को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देता है, प्लस सेवन को क्यों नहीं देता? उसमें एक लगता है। हाँ जी सर। सर वो उदित के फोन से ज्वाइन किया था, उसमें वो ऑडियो ऑन ही नहीं हो रही थी। सॉरी सर, क्वेश्चन दोबारा से पुट करना प्लीज। अब गई बात, अब तो आज अब्सेंट लगाऊंगा मैं, बाद में बताऊंगा मैं, फिलहाल छोड़ो सर प्लीज। सर ये फोन ही नहीं दे रहा था सर, ये पबजी खेल रहा था पापा के फोन में, अभी लिया है सर प्लीज। इंकलाब जिंदाबाद सर। हाँ कोई बात नहीं, और सवाल आ जाएंगे। हाँ जी आईना, क्यों करता है ये प्लस वन क्यों एक्वायर करता है, माइनस सेवन क्यों नहीं करता? पता नहीं सर। पता नहीं, चलिए कौन बताएगा, कौन बताएगा? दीपक कौन है भैया? ये सर। हाँ जी दीपक, बताओगे कि ये प्लस वन क्यों करता है, माइनस सेवन क्यों नहीं करता ज्यादा? क्योंकि सर प्लस वन लेने में उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर वो साथ छोड़ेगा तो उसे ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा उसे वो करना पड़ेगा सर। बिटवा उलझ गए तुम। प्लस का मतलब होता है छोड़ना, अगर वो कोई भी एलिमेंट है अगर वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, लॉस करेगा, तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है, ठीक है, और जब वो गेन करेगा, ठीक है, यानी कि किसी से मांग कर इलेक्ट्रॉन लाएगा तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, माइनस आता है। जब आप पैसे लेके आते हो तो आपके ऊपर क्या होता है, कर्जा ही होता है ना उधार का, तो जो लेके आएगा उसके ऊपर माइनस आएगा, यानी कि कर्जा हो गया उसका, ठीक है, और जो दान कर देता है वो धनवान आदमी था, उसने पुण्य कमा लिए, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। अब बाकी बात सही है, सिर्फ दिक्कत प्लस माइनस की है कि अगर वो सात इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा यानी कि गेन करेगा तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब क्या है, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। अब सात के लिए वो एनर्जी लगाए, इसके जी अच्छा क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी लगा ले, उसकी एनर्जी बच गई, उसका काम भी चल गया, ठीक है। और काम चलाने का मतलब क्या है, उसके पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, नोबल गैस, ठीक है जी, समझ आया आईना? आईना कहाँ बाकी? यस सर। हाँ जी चलिए अभी नितिका बताएगी मुझे एक बात। नितिका बचवा माइक ऑन करो।
हाँ जी, अभी मेरे पास एक प्राणी है जिसका मैं लिख रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। एल आई, इसका नाम क्या होता है? लिथियम। लिथियम, लिथियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? थ्री। थ्री, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? थ्री। अच्छा, इसके पास प्रोटॉन कितने होते हैं? थ्री। इसके पास न्यूट्रॉन कितने होते हैं? इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? पता नहीं सर। पता नहीं, किसे पता है, कौन बताना चाहेगा? लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है। 7 होता है। और न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं सर? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। हाँ जी, यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ होता है। ये अपना गणित बन गया, 7 बराबर 3 प्लस n 7 माइनस 3 बराबर n, यानी कि n कितना आ गया? 4 बराबर n। 4 कितने आ गए? 4। ठीक है नितिका? यस सर। चलिए शाबाश, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आप सीखते रहेंगे, ऐसे हम थोड़ा थोड़ा सिखाते रहे। चलिए आज बात करते हैं आयनों की। आयन क्या होते हैं? साधारण भाषा में कहूं तो जिनके ऊपर क्या हो, आवेश। क्या हो? आवेश। आवेश यानी कि चार्ज। ठीक है, जका रिश्या माइडा हुआ नी बेकी हुआ आयन हुआ। ठीक है, और आयन क्या होते हैं? आयली क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। और हाईली रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? वो अति अभिक्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? अति अभिक्रियाशील। ठीक है जी। और आयन की पहचान क्या होती है? कोई भी तत्व के ऊपर प्लस लिखा है तो भी वो आयन है, किसी तत्व के ऊपर माइनस लिखा है तो वो भी क्या है? आयन है। क्योंकि आवेश जो होता है या तो वो क्या होता है? धन आवेश होता है, या वो कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। समझ आया जी? यस सर। अब ये क्या है? सोडियम है, और ये क्या है? सोडियम का आयन है। सही है, ये क्या है? क्लोरीन है, और ये क्या है? क्लोरीन का आयन है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, सोडियम प्लस की परमाणु संख्या भी 11 होती है, क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 11, और क्लोरीन के आयन की, सॉरी, 11 होती है। बच्चा अपने माइक बंद कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग फिर कोई और क्लास वाले देखा गया, कोई और पेरेंट्स देखते हैं ना, तो फिर वो दिक्कत बोलते हैं। हाँ जी, सही लिखा है मैंने? परमाणु की संख्या या एटॉमिक नंबर। डन। यस सर। जी, अब परमाणु का क्या लिखते हैं आप? द्रव्यमान। हाँ जी, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा?
23 हो गया, सोडियम आयन का भी कितना होगा 23 हो गया, और यहाँ हम क्या लिखेंगे एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, और यहाँ भी कितना होगा 35.5। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो सर। नो। ध्यान से ये चीजें समझते रहिएगा, क्योंकि जब आप सरकारी कार्यालय में कोई एक नौकरी के लिए एग्जाम देने जाएंगे ना, जैसे क्लर्क के एग्जाम या हरियाणा पुलिस के एग्जाम, कोई भी एग्जाम, ठीक है, तो ये चीजें हैं वो आती हैं। अगर आप 10वीं क्लास में विज्ञान को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आगे आने वाले पेपरों के अंदर दिक्कत नहीं आएगी, वरना लोग 10वीं में पढ़ते नहीं हैं और 12वीं के बाद फिर इनकी कोचिंग लेते हैं, और उस वक्त ये अच्छे से समझ भी नहीं आते, क्योंकि यहाँ हम एक चीज को 5-6 दिनों में कर सकते हैं, वहां आपको 5-6 चीजें एक दिन में करनी होती, ठीक है। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है जी। कितने इलेक्ट्रॉन है कौन बताएगा? दिव्या कहाँ है? हाँ जी दिव्या बताओ, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हाँ जी, ये कौन है एक डॉट 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 वाला? अरे ये कौन विद्यार्थी आया है जिसके पास डॉट ही डॉट है, नाम अता पता कुछ होगा, खाली स्थान हो गया बिल्कुल। रोहित, तो बेटा रोहित रीनेम कर ले, एक मिनट का टाइम देता हूं मैं, अगर रीनेम नहीं हुआ तो तू तो गया। हाँ दिव्या बताओ, अपने इतने सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन, सारा कुछ यहाँ पे लिखा है, कुछ भी यहाँ से बाहर नहीं है। सर बता दिया ना 11 होते हैं, सुना ही नहीं मुझे, मैं उसके साथ बात लग गया। हाँ जी प्रोटॉन कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन सर। प्रोटॉन्स कितने होते हैं? सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है सर जी, थारी आवाज कौन आवे? हाँ जी, और किसी को भी नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, सर। आ रही है सर। चलो छोड़ो फिर, आवाज ही नहीं आ रही है। दिव्या को आवाज नहीं आ रही, रुको फिर दिव्या को क्लास से बाहर फेंकते हैं। चलो अब आ जाएगी अपने आप। हाँ रोहित रीनेम नहीं हुआ बेटा, और तेरा टाइम भी पूरा हुआ, तो बाहर जा रीनेम करके फिर से आ। लो दो गए, अच्छा चलिए अभी फिर आईना बताएगी फिर से। चलो आईना को छोड़ो, रोहित बेनीवाल है यहाँ पर? हाँ सर जी। हाँ जी बताइए, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कितने सर जी? सोडियम के पास 11। प्रोटॉन्स 11। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 12। कैसे निकाले, अगर किसी को नहीं पता तो परमाणु द्रव्यमान में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घटा दिए जाते हैं तो न्यूट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है जी। चलिए अभी यहाँ देखो रोहित, इसके और बता दे, सोडियम आयन के कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? हाँ जी किसी बच्चे को पता हो जो भी बताना चाहे अपनी तरफ से। तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है।
सोडियम का पूछ रहा हूँ मैं, क्लोरीन का नहीं, सोडियम आयन। सर वही है, 11 11 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितने हैं? 11 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 बस। हाँ जी, प्रोटॉन्स 11 और न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 12 अगर दोनों चीजें सेम है तो फिर Na प्लस और Na में क्या फर्क है? हाँ जी बताओ, अगर दोनों चीजें दोनों में ही सेम है तो फिर क्या फर्क हुआ सोडियम और सोडियम आयन में? सोडियम आयन सर Na प्लस वन तो एक आयन है। हाँ तो प्लस आयन होने से कुछ तो बदलाव आया होगा ना, तो ये जो 11 है ये नहीं होते। कितने होते? 10 होते। हाँ जी समझ आया आपको, इसका कारण क्या है वो हम बाद में देखेंगे। चलिए उससे पहले इधर देखते हैं, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स, 17 ही प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन कितने हो गए? 35 माइनस 17 कितने आ गए? 18 हाँ जी कितने रह गए? 18 रह गए ना। यस सर। और इधर कितने रह जाएंगे फिर? अठारह। अब ये खेल क्या है कि आयनों के अंदर एक में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, एक में इलेक्ट्रॉन जो है घट रहे हैं, ऐसा क्यों है और ये कैसे पता चलता है? ठीक है तो ध्यान से देखिए, ये कोई परमाणु का नाभिक होता है और ये क्या होते हैं उसके बाहरी कोश होते हैं, ऐसा ही होता है ना? यस सर। चलिए जी अपने पास 10 मिनट का टाइम रह गया। ये परमाणु का नाभिक है किसी भी एटम का, ठीक है,
क्या है ये न्यूक्लियस और ये क्या है उसकी सेल्स है। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन होते हैं, प्लस में कौन होते हैं, न्यूट्रॉन। सेल के अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ना, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घूमते हैं क्या? नो सर, नहीं, ये नहीं घूमते। घूमने का काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन का है, वो दिहाड़िया है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो हर एटम के बिल्कुल क्या होता है, केंद्र में होता है। ये बात भी आपको पता है ना? यस सर, यस सर, है ना, केंद्र में होता है। केंद्र में होने का मतलब क्या है कि वो चीज जो है बिल्कुल बीच में है, वहां से हम छेड़खानी जो है नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर हमें एटम्स को खत्म करना है तो पहले हमें इलेक्ट्रॉन्स की सेल्स जो है वो खत्म करनी पड़ेंगी, तब जाके अपने को न्यूक्लियस मिलेगा, है ना? Yes, sir. ठीक है? तो गाड़ी में जो एयर बैग्स लगाई जाती हैं, वो किस लिए लगाई जाती हैं? ताकि एयर बैग जो है आपके और स्टेयरिंग के बीच में आ जाए, जिससे आपका सर ना फूटे। अगर आपको सर फोड़ना है अपना, तो आपको एयर बैग को हटाना पड़ेगा पहले। तो अगर आपको न्यूक्लियस के पास जाना है तो पहले इलेक्ट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा। तो इससे का सीधा सा मतलब ये होता है कि जब भी हम एटम से कोई चीज बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। जब तक सारे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल जाते तब तक न्यूक्लियस के अंदर से कोई चीज बाहर नहीं जा सकती। समझ आई बात? यस सर, यस। इसका मीनिंग ये होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं हर एलिमेंट में क्या होते हैं, निश्चित यानी कि फिक्स होते हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है नहीं बदल सकते, ठीक है। अब बदलेगा कौन? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को लाके डाल भी सकते हैं। ऐसा ही होता है? यस सर। यहां से एक चीज जो आती है, अच्छा सा कॉन्सेप्ट आता है, बहुत अच्छा। उसमें वो क्या कहता है कि Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, और जब Na के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसके ऊपर एक प्लस आ गया, ठीक है। तो डाल्टन का एक नियम है, उसमें ये कहता है कि किसी भी, लिखूं या वैसे बोल दूं? बोल दो सर, बोल दो। किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, क्योंकि हर एलिमेंट इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब यह होता है कि जितना एटम के अंदर प्लस का चार्ज है उतना ही किसका है, माइनस का है, ठीक है। दो बच्चे रस्सी को इधर खींच रहे हैं, दो बच्चे रस्सी को इधर खींच रहे हैं, अगर वो समान जोर मार रहे हैं ना तो रस्सी कहीं नहीं हिलने वाली, ठीक है। इसलिए किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई आवेश नहीं दिखाया जाता, ना प्लस ना माइनस, नहीं दिखाते ना आप। जब आप आयन बनाते हैं तब उनके ऊपर प्लस या माइनस आता है। इसका मतलब क्या है? अब ये जो पदार्थ आपके पास बचा है जिसको आप आयन बोल रहे हो, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। तो सोडियम के पास कितने होते हैं, 10 ही प्रोटोन, और सॉरी 11 प्रोटोन होते हैं और 11 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना बच गया, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है प्लस 11, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है माइनस 11, प्लस के 11 और माइनस के 11 में से क्या बच गया, जीरो, जीरो। तो एन ए के ऊपर देखो यहाँ पे जीरो है, ठीक है। अब इसमें देखो प्रोटॉन इसके पास 11 है, इलेक्ट्रॉन हमने एक निकाल लिया, ठीक है, ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 11 होते हैं, 2, 8, 1, हम इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं 2, 8 कर देते हैं, ऐसा ही करते हैं ना, yes, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है तो ये 1 दे देता है। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, कुल 10 बच गए ना, 10 10। अब नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना रह गया, प्लस के 11 माइनस के 10 माइनस के 10 प्लस 1 प्लस 1, ये देखिए प्लस 1 दिखा आपको, ये प्लस जो है ये प्लस 1 है, इसका मतलब क्या है कि सोडियम आयन के पास एक प्रोटॉन जो है वो ज्यादा है। ए बड़ा टिंगली मरा हुआ तू, अरे भाई रुको, समझ में आया किसी को, नहीं समझ आया किसी को वो भी बताइए, जिसको समझ, हाँ जी जिसको समझ नहीं आया सिर्फ वो ही बोलना, समझ वाले तो बहुत महान आदमी है। चलिए तो योगेश सब आप ये समझिए, पहला नियम ये होता है कि कोई भी तत्व जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है उसके ऊपर कोई भी आवेश है वो नहीं होता, यानी कि उसके अंदर जितना धन आवेश होता है उतना ही क्या होता है, ऋण आवेश होता है, ठीक है। अब ऋण और धन एटम के अंदर दो ही चीजें होती हैं, पहला तो आता है प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर प्लस के चार्ज होते हैं, और दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है, ठीक है, ठीक है जी। अब अगर वो प्लस और माइनस बराबर कह रहा है नियम में, इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर है। अब किसी भी आम तत्व की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर कोई आवेश नहीं होता, जैसे हम सोडियम की कर रहे थे तो सोडियम के पास 11 ही प्रोटॉन होते हैं, 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और वो दोनों बराबर होते हैं ना, इसका मतलब क्या है, 11p = 11e, ऐसा ही कुछ हुआ ना, हाँ जी। इसको मैंने बस यहाँ ये लिखा है कि प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11, इतना हो गया, प्लस के 11 माइनस के 11 पर 0 हो गया, यानी कि अगर सामान्य कोई तत्व है तो उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि वो अपने नियमों से बंधा है कि उसके पास प्लस और माइनस के चार्ज बराबर हैं। लेकिन जैसे ही हम सामान्य एलिमेंट में कोई छेड़खानी करेंगे, जैसे ही हम किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या उसके अंदर ऐड करेंगे तो उसका जो चार्ज है वो बदल जाएगा। अब Na के पास 2, 8, 1 होते हैं, अब हमने उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया 2, 8 कर दिया, अब हमें नहीं पता कि इसके ऊपर प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो हम क्या करेंगे, बोले जी प्रोटॉन देखो अभी भी 11, इलेक्ट्रॉन देखो 10 से घटा दो, कितना बच गया, 1 बच गया, 1 किसका बच गया, P का बच गया, 1 P बच गया, तो 1 प्लस बच गया, ठीक है जी, ठीक है जी। अभी कल आप घर से कुछ करके लाएंगे, ऑक्सीजन का आवेश कैसे आता है, ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा है वैसे ही आप भी लिखेंगे, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, नाइट्रोजन का और हीलियम का, इतने लिखेंगे आप, ठीक है, और वीडियो का लिंक आपको पता ही है काम मिलेगा, अगर वीडियो को दोबारा देखना हो तो आप देख लेना, ठीक है, शाम तक 7-8 बजे तक अपलोड कर दूंगा मैं इसको, ठीक है जी, हाँ जी ठीक है, चलिए लीव करिए क्लास।